अभी हमारे सामने खगड़िया जिला मानसी प्रखंड के पूर्व प्रमुख उप प्रमुख रह चुके भाई हीरा लाल यादव जी हैं, और इनसे हम जानते हैं कि बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका होम जिला नालंदा में हरनौत पड़ता है, और हरनौत में उनके साथ एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। वहाँ एक सोनू कुमार नाम का 11 साल का जो बच्चा है, उसने माननीय मुख्यमंत्री से सवाल किया, बिहार में शराब बिकती है और शराब के कारण हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, और शिक्षा की स्थिति के बारे में बताया कि शिक्षा की स्थिति किस तरह है। इसी चर्चा लेकर यहाँ के जो मानसी प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख रह चुके हैं और संसद प्रतिनिधि भी हैं भाई हीरालाल यादव जी से जानते हैं कि उनकी क्या राय विचार है इसमें और क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हीरालाल जी हमारे चैनल पे। हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो गए थे, उनके साथ एक वाकया घटना घटित हुई थी। सोनू कुमार नाम का लड़का जो बता रहा था पूरा कि बिहार की पढ़ाई की क्या स्थिति है और शराब की क्या स्थिति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बताइए आप। सबसे पहले आपका चैनल का हम बधाई देना चाहते हैं जो कि आपने इंटरव्यू ले रहे हैं। सोनू कुमार जो इंटरव्यू दिया माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का, नालंदा गिरी क्षेत्र है, उनका प्रखंड भी है जी। वो लड़का जो 11 साल का लड़का है, गरीब का बेटा है, उनका स्वयं स्वयं हम समर्थन करते हैं, क्योंकि वो लड़का जो है गरीब आदमी है, उन्होंने स्कूल में जाके पढ़बो करते हैं और अपना कोचिंग भी चलाकर अपना बच्चा अपने उम्र के बच्चा को पढ़ाईबो करते हैं और बच्चा का शिक्षा भी देते हैं और कोचिंग भी करके पढ़ते हैं। उनका गरीबी हालत है और उन्होंने शिक्षा विभाग को पूरे बिहार में चौपट बताया, और तीन चार दिन पहले भी हम मीडिया के माध्यम से बोले थे बिहार में शिक्षा चौपट हो गया है। वो बच्चा का हम समर्थन करते हैं, वो बिहार का होनहार बच्चा है, बिहार का होनहार बच्चा, मैं उनका समर्थन करते हैं। दुख की बात है, जब से बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री 2010-2015 में जो शिक्षा विभाग में बहाली हुआ था जी, वो बहाली पूरी तरह से गलत बहाली है। अरे डिग्री लाभो नौकरी पाओ, कोई आदमी पूंजीपति वाला है, उड़ीसा से लाया है, कोई बम्बई से लाया है, कोई हरियाणा से लाया है, इसमें हम रखते हैं कि 100 में 90% जो है जाली मास्टर है। अब बताइए नालंदा में माननीय मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, मीडिया कर्मी जब वहाँ गया और लड़का जो ये मास्टर पर विरोध किया कि मास्टर कुछ ऐबे नहीं करता है, वास्तविक में न आया। ये बात नालंदा की नहीं, पूरे बिहार में है मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से हमारा अपील है, हाई कोर्ट के जज के माध्यम से पूरे बिहार में कमिटी जांच करके वैसा टीचर का FIR किया जाए जो बाहर से डिग्री लेकर नौकरी किया है, साथ साथ मास्टर के साथ साथ उसमें होता है जनप्रतिनिधि होता है, 1 से 55 तक में मुखिया बहाली करता है, 6, 7, 8 में वहाँ प्रमुख बहाली करता है, हाई स्कूल में वहाँ जिला परिषद के चेयरमैन करता है, और मुखिया के साथ साथ सचिव भी, सरकारी सचिव का भी हस्ताक्षर होता है। पूरे बिहार में जांच करवा कर जनप्रतिनिधि पर भी FIR करे और जो सरकारी सेवक है उन पर भी FIR करे। सरकारी पैसा का जब बिहार का दुरुपयोग हुआ है, उनसे जितना दिन से नौकरी कर रहा है उनसे पैसा वसूला जाए। हम तो तीन चार नमूरिया में बोलबे के शिक्षा विभाग बिहार में चौपट है, और शिक्षा मंत्री से भी अपील है कि नैतिक आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बड़ा बिहार में हलचल हो चुका है, अभी तक शिक्षा मंत्री का कोई बयान है? कोई बयान शराब को लेकर क्या कहते हैं? वो छोटा लड़का जो सोनू कुमार 11 साल का है, उसने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि हमारे पिताजी शराब पीते हैं, यही कारण हम पढ़ने नहीं जा सकते हैं। बताइए नीतीश कुमार के होम जिला में शराब बिकता है, शराब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शराब के किसी से कोई छिपा हुआ है? पूरे बिहार में शराब बिक्री हो रहा है। एक और मुख्यमंत्री का जिला पड़ता है नालंदा, और नालंदा में खुलेआम शराब बिकता है, क्या इसको लेकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? मुख्यमंत्री जो बताइए शराबबंदी कानून चालू कर दिया है और अधिकारी के जेब भर रहा है, पूरे बिहार में शराब चालू है। आप देखिए नेपाल से दारू आता है, बंगाल से आता है, झारखंड से आता है, बिहार सरकार का प्रशासन क्या करता है?
वो लड़का जो बोला 11 साल के, उनका हम समर्थन करते हैं और बिहार सरकार से हमारा मांग भी है। उनका आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, वहाँ के जिला अधिकारी महोदय से भी हमारा मांग है, उनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र आवास के तहत जो है उनको घर बनना चाहिए और उन लड़का का जो है सुरक्षा गार्ड भेजना चाहिए और कहीं बढ़िया स्कूल में उसको पूरे दरिया में छा गया है उनको पढ़ाया जाए। ये बिहार का होनहार लड़का है, 11 साल का लड़का बिहार सरकार का पोल खोल दिया कि आपके जिला में शराब बिकता है और पढ़ाई का तो चौपट है, पढ़ाई का तो होता ही नहीं कोई भी सरकारी क्लास में, शिक्षा विभाग तो चौपट हो ही गया। इसके बारे में नीतीश सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं कि भाई उनका जो हाईकोर्ट के जज से पूरे बिहार में डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, जनप्रतिनिधि और अधिकारी माले माल हो गया। जो बच्चा पढ़ लिख के अच्छा डिग्री लिया है वो जो है घर में बैठा हुआ है बेंगलोर दिल्ली मजबूरी में खच रहा है, और जिसको एक्का से बिस्का तक खोरा नहीं है वो मास्टर बना है, वो मास्टरनी बना है। ये कलंकित बिहार में शिक्षा विभाग चौपट हो गया। वो बच्चा तो बहुत अच्छा बात बोला, मैं उनका समर्थन करते हैं और बिहार के तमाम संसद महोदय से भी विधायक से उसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनका सब लोग सहयोग करें। अपना पर मेरा मोती कुमार नाम है। अच्छा, अभी देख रहे थे आप, मैं प्रमुख साहब का जो है समर्थन करता हूँ। अच्छा, आप समर्थन करते हैं इनका, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सही चीज बोल रहे हैं। अच्छा, सभी ने फोटो ले लो, कुछ इनको सब पूछ लो, क्या है ये विद्यार्थी सब पूछो।